मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत है। आज आप सभी के लिए, उन सभी साथियों के लिए, खास करके जो बीएसएफ द्वारा आयोजित होने वाले आगामी एसआई जीडी एलडीसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बीएसएफ एसआई जीडी एलडीसी के जो पुराने ओल्ड पेपर हैं यानी पी वाई क्यू पर डिस्कस करेंगे। यानी पी वाई क्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो हम लोग आज सब्जेक्ट लिए हैं वो होगा आपका रीजनिंग, ठीक है, और कंप्लीट पूरे पेपर आपको हम कराएंगे, क्लियर है। दूसरी चीज है कि टोटल एग्जाम 7 जुलाई 2021 से ही बीएसएफ एसआईजीडी एलडीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। यहां से टोटल एग्जाम से आप एसआईजीडी की तैयारी करते हैं तो आपको बाहर से यानी अलग से किसी भी प्रकार का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एसआईजीडी एलडीसी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आपको लिखना है टोटल एग्जाम एक साथ, सर्च करना है, ये एप्लीकेशन का लोगो है, आइकॉन है, इसी प्रकार का आएगा। गूगल प्ले स्टोर पर सिंगल एप्लीकेशन है, इस नाम के कोई भी और एप्लीकेशन नहीं है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन अप करना है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर तो साइन अप करके आपको जाना है वीडियो कोर्सेस टैब में, ठीक है। वीडियो कोर्सेस में जाके आपको अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेना है इस पर क्लिक करके, क्लियर है। चलिए तो आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एसआईजीडी एलडीसी बीएसएफ द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट्स हैं और पहला प्रश्न ये है और ये सीरीज के प्रश्न होंगे जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में हमने आपके पी वाई क्यू से सीरीज के प्रश्न हमने लिए हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है 44, 56, 79, 83 क्वेश्चन मार्क 140, ठीक है। यानी कह रहा है कि इस तरह से अगर एक सीरीज सीक्वेंस में सीरीज चलता रहे तो जो यहां पे क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे क्या आएगा, क्लियर है। चलिए और ऑप्शन आपको यहां पे दिया गया है 90, 98, 100 और 110, ठीक है। ये बी है आपका, ये सी है और ये डी, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए 44 था और 56 हो गया, तो एक चीज देख रहे हैं कि जो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू दोनों का आपस में बिल्कुल नजदीक नजदीक है, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज कर रहा है, नजदीक है तो प्लस का काम हुआ होगा, ठीक है। तो 44 से 56 आया, यानी क्या किया गया है, क्या किया गया है, प्लस 12 किया गया है। 56 से 79 यानी क्या किया गया है, प्लस 13। अगर आप 56 में 44 में 12 जोड़ेंगे तो 56 प्राप्त होगा, 56 में आप 13 जोड़ेंगे तो 79 प्राप्त होगा। अब यहां 12 जोड़ा गया, यहां 13 जोड़ा गया, यहां कितना जोड़ा जाएगा, 14, इसमें 79 में। जब आप 79 में 14 जो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा, कितना हमें प्लस करना है, 83 में जब आप 79 प्लस करते हैं, 79 में 14 प्लस करते हैं तो 83 आता है, यानी 12, 13, 14। जाहिर सी बात है यहां जो अंक हमें चाहिए उसमें 15 प्लस करना है, ठीक है। तो 15 हमें किस में प्लस करना पड़ेगा, 83 में। अब इसको जब आप 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 98,
तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस जगह पे 98 होगा। अब देखिए हम एक और आगे स्टेप दिया है 114। अब हम देखते हैं कि अगर हम 12, 13, 14, 15 प्लस कर रहे हैं, इस बार 16 प्लस करेंगे तो 114 आएगा या नहीं आएगा। 98 में आप 16 जोड़िए, 8, 6, 14, 4, हाथ में 1, 9, 1, 10, 1, 11, यानी आ रहा है करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है 6, 7, 18, 23, 38 क्वेश्चन मार्क, और यहां पे है ऑप्शन 49, 47, 87 और 92। ठीक है, चलिए यहां पे क्या किया गया है देखना है, दिमाग लगाइए। देखिए देखते हैं आखिर क्या किया गया है। ठीक है, अब देखिए 6 से 7 हो गया है, कैसे, अब देखिए हम यहां पे कर सकते हैं 2 × 2 कितना हो गया 4 और प्लस 2 कितना हुआ 6। यहां पे हम कर सकते हैं 2 × 2 + 2। अब 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 × 3 - 2, 3 × 3 - 2, 3 × 3 = 9 और -9, 9 में -2 कीजिएगा कितना होगा 7। ठीक है, आगे 18 में क्या किया गया है, तो 4 × 4 + 2, 4 × 4 + 2 कीजिए, 4 × 4 = 16, 2 = 18। ठीक, 23 में क्या किया गया है, 23 में क्या किया गया है, अब देखिए यहां पे हम बड़े में लिखते हैं 6, 7, 18, 23, 38 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 6 में क्या किया गया है, तो 6 में 2 × 2 + 2 क्या किया गया है 2 × 2 + 2 = 6। 7 में क्या किया गया है 3 × 3 - 2। ठीक है, और फिर 18 है यानी 4 × 4 + 2। अब क्या किया जाएगा, जाहिर सी बात है 5 × 5 - 2। अब क्या होगा 6 × 6 + 2। अब क्या होगा 7 × 7 - 2। देखिए यहां 2 × 2 = 2, फिर 3, फिर 4, 4 × 4, फिर 5 × 5, फिर 6 × 6, फिर 7 × 7। क्लियर है, अब देखिए यहां +2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2। क्लियर है, तो अब देखिए 7 × 7 यहां पे करेंगे कितना आएगा 49, और 49 में अगर आप -2 करेंगे कितना होगा 47। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां छोटा छोटा दिख नहीं रहा था, इसको हटा दीजिए। ठीक है, समझ गया, चलिए अगला प्रश्न है 27, 32, 30, 35, 33। अब देखिए यहां भी जो डिजिट हैं, अंक हैं, आपस में जो इनके हैं बहुत नजदीक के संबंध है, राइट। अब देखिए यहां पे क्या किया गया है 27 से 32 यानी +5, 32 से 30 यानी -2, 30 से फिर 35 यानी +5, 35 से 33 यानी -2। ठीक है, यानी +5 - 2 + 5 - 2। इस बार क्या करेंगे, यह क्वेश्चन मार्क की जगह पे +5। अब कहां +5 करेंगे, 33 में +5 करेंगे आप, तो कितना आएगा 38। ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो जिस भी ऑप्शन में 38 है ऑप्शन डी, ये हमारा क्या हो गया आंसर सही है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 71, 59, 48, 38, 29 और क्वेश्चन मार्क, यानी इसके जगह पे क्या आएगा। अगर इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहा तो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 71 से क्या किया गया है 59, ठीक है, 71 से 59 मतलब क्या किया गया है, दिमाग लगाइए। यहां 71 से 59 क्या किया गया है, क्या किया गया है माइनस। अगर हम माइनस 12 करते हैं तो 59 आ जाएगा, अगर 71 में माइनस 12 करते हैं 59 आ जाएगा, और 48 है, आराम आराम से सीखिए कि 59 में हम 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी माइनस 11 करेंगे, फिर 48 और 38, फिर आप 48 में 38 माइनस करके देखिए, ठीक है, माइनस 10, क्या आप समझ रहे हैं। देखिए माइनस 12 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 10, तो जाहिर सी बात यहां माइनस 9 होगा और यहां माइनस 8 होगा और हमारा आंसर मिल जाएगा यहां पे। इसमें माइनस 8 करेंगे तो 29 माइनस 8 कीजिए 21, ये हमारा सही आंसर हो गया 21। तो 21 किस में आंसर, 21 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 21 है, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3, 4, 7, 11, 18, 29 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस में चले तो इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है। चलिए 3, 4 क्या किया गया है, 3, 4 इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिखा गया है, ठीक है, और इसको और इन दोनों को यानी 7 और 4 को, यहां से समझिए आप, 3 + 4 को प्लस किया गया 7 है ये। अब इसके बाद क्या दिया गया है 11, तो 11 में क्या किया गया है 4 + 7 18, यानी 7 + 11 29, यानी 11 + 18 और अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो 18 अब होगा 18 और 29 करेंगे प्लस, यही होगा ना, और दोनों को प्लस करके लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड के दोनों जो डिजिट हैं, दोनों अंक हैं, उनके योग को लिखा जा रहा है, राइट। तो 8, 8, 16, 1, 17, 17 का 7, 8, 1, 1, 4 कितना हो गया 47, तो यहां पे कितना भरा जाएगा 47, तो यहां पे किस ऑप्शन में 47 है, ऑप्शन डी में, तो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर गया 47। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ है, जो पूछे गए, तो उम्मीद करते कि ये आपको समझ में आया होगा, और अभी भी आपके पास टाइम है, कोर्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 मंथ अब होने को है कोर्स स्टार्ट किए हुए, ठीक है, और ये 2 मंथ का कोर्स है, और ये कोर्स आपके सितंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा, सितंबर के स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा, और लास्ट के हम लोग लगभग 1 मंथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है या जानकारी कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, 888-275-63 पर, ठीक है। तो इन्हीं अब यहीं तक हम आज की क्लास को रखते हैं, ठीक, और यहाँ पे नंबर है, आप नंबर पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, अगर कॉल रिसीव नहीं होता तो व्हाट्सएप कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।